देखिए इसी रास्ते से बजरंग दल की रैली निकली, इसी रास्ते से नड्डा जी की रैली निकली, मगर कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा को यहां पे ये लोग रोक रहे हैं। अब देखिए यहां पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया, मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। मगर आप ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं, क्योंकि हमने आपका बैरिकेड उधर देख फेंक दिया हमने, और ये कांग्रेस कार्यकर्ता की शक्ति है। आप लोग बब्बर शेर हो, आप लोग बब्बर शेर हो, अपनी शक्ति को पहचानो। देखिए असम की जनता को रोज दबाया जा रहा है, रोज दबाया जा रहा है। आज मैं आया, स्टूडेंट इंटरेक्शन था मेरा यूनिवर्सिटी में, फोन कॉल आता है यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को, फोन कॉल आता है राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता, मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। भैया शांत हो जाएं, मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मगर यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स बाहर आके उन्होंने मेरी बात सुनी। तो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, व्हाट्स गोइंग ऑन भैया, हेलो, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता है, आरएसएस और बीजेपी से नहीं डरता है, और आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को हम असम में हराएंगे, और यहां पे कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़कर सरकार बनाएगी। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और आखिरी बात यहां पे जो पुलिस के अफसर बैठे हैं, खड़े हैं, देखिए हम जानते हैं कि आपको अपना काम करना है, आपकी गलती नहीं है, आप लोगों को ऑर्डर मानना है, और आपने अपना काम अच्छा किया। एक आदमी यहां आया, बस के सामने लेट गया, आपने अच्छा काम किया, मगर आप एक बात याद रखो, असम में न्याय होना चाहिए, असम में अन्याय नहीं होना चाहिए। हम यहां आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हम जो आपके ऊपर मालिक बैठे हैं, जो असम में वो चोरी कर रहे हैं 24 घंटा, असम के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, देखो एक दो पुलिस वाले ताली बजा गए, देखो वो देखो हंस रहा है, मैं जानता हूं नहीं बजा सकते, गलती से भी मत बजा देना, मगर आपके दिल में जो है मैं समझता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।